सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। पनामा केस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के पद से हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वे 2 हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ केस दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पद से तुरंत इस्तीफा देने का आदेश दिया है। इसके बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। नवाज शरीफ अब आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, न ही किसी सार्वजनिक पद पर बैठ पाएंगे। वहीं उनकी बेटी मरियम शरीफ भी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। वहीं मंत्री चौधरी निसार खान ने भी फैसले के बाद मंत्री पद और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि शरीफ के परिवार के विदेश में संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जाँच के लिए संयुक्त जाँच दल का गठन किया गया था और JIT ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन उनके आय के ज्ञात स्रोत के मुताबिक नहीं है। रिपोर्ट में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।